दूसरों के राव बीएल दिलीप सिंह को एक अच्छा गेंदबाज मानता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आईपीएल 2023 का दूसरा मुकाबला समाप्त हो चुका है। आइए आपको बताते हैं कैसे 192 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम पंजाब किंग्स के लक्ष्य का। लक्ष्य काफी बड़ा था, दो नए बल्लेबाज आए मनदीप सिंह और अहमदुल्ला अग्रवाल। आधे ही मनदीप सिंह शॉर्ट बॉल के चक्कर में फील्डर के हाथों में मार बैठे गेंद अर्शदीप सिंह के पहले ओवर में और मात्र दो रन बनाकर मनदीप सिंह आउट हुए। दोस्तों उनके बाद आए अनुकूल रॉय, ये भी अर्शदीप सिंह के बाउंसर का शिकार हुए। बल्ले का एज लेकर सीधा सामने खड़े सैम करन के हाथों में जाकर गिरी गेंद, जिस गलती से मुकाबले में आउट हुए अनुकूल सिंह भी मात्र चार रन बनाकर। दोस्तों उनके बाद आए रसल मसल बल्लेबाजी करने के लिए। दोस्तों रसल काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे और देखते ही देखते 35 रन तक पहुंच चुके थे 19 गेंदों में। तभी सैम करन की इस गेंद पर शॉर्ट बॉल पर अपने बल्ले का एज बैठे और पीछे सिकंदर रजा ने शानदार कैच लपक ली, जिस गलती से मुकाबले में रसल 35 रन बनाकर 19 गेंदों का सामना करते आउट हुए। दोस्तों आप सभी को बता दें उनके बाद वेंकटेश अय्यर भी 34 रन बनाकर इस तरह से अपने बल्ले का एज बैठे और आउट हुए। कप्तान नीतीश राणा भी 24 रन बनाकर रजा की इस गेंद पर इस तरह से कैच दे बैठे राहुल को। दोस्तों अय्यर 34 रन बनाकर आउट हुए, राणा 24 रन बनाकर आउट हुए। मैदान पर आए रसल और ठाकुर। दोस्तों आप सभी को बता दें नारायण का जैसे ही बल्लेबाजी करने आए तो मैदान पर बारिश शुरू हो गई। दोस्तों अभी भी लगभग 80 रनों की दरकार थी जीत के लिए, जिसके चलते बारिश होकर रह गई। काफी ज्यादा देर तक बारिश आई, जिसके चलते डकवर्थ लुईस के हिसाब से पंजाब किंग्स 7 रन आगे थी और पंजाब किंग्स को 7 रनों से विजेता घोषित किया गया। जी हां दोस्तों, पंजाब किंग्स की टीम ने आईपीएल 2023 का दूसरा मुकाबला डकवर्थ लुईस मेथड के हिसाब से 7 रनों से जीत लिया है। दोस्तों अर्शदीप सिंह की गेंदबाजी को 10 में से कितना